जय माता दी। आइए सुनते हैं अगहन गुरुवार व्रत कथा पूजन विधि। मार्गशीर्ष मास का बड़ा महत्व है। जैसे सावन का महीना भोलेनाथ को समर्पित है, ठीक उसी तरह मार्गशीर्ष, जिसे अगहन भी कहते हैं, इस महीने में माँ लक्ष्मी के पूजन का विशेष विधान है। माँ लक्ष्मी के लिए इस महीने के हर गुरुवार को व्रत रखा जाता है, विशेष पूजा की जाती है। मार्गशीर्ष मास शुरू हो चुका है और आमतौर पर गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, पर मार्गशीर्ष के महीने में गुरुवार को माँ लक्ष्मी की धूमधाम से पूजा होती है। कहते हैं कि जो भी इस महीने में व्रत रखकर माँ लक्ष्मी की पूजा करता है, उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है और उसके भंडार धन धान्य से भर जाते हैं। कई राज्यों में तो महिलाएं अगहन मास के गुरुवार को विधि विधान से लक्ष्मी विष्णु की व्रत रहकर पूजा कर दीप दान करती हैं। इसमें संघ पूजा का विशेष महत्व है। कई जगहों पर विवाहित महिलाएं बुधवार की रात में घरों को साफ कर चावल के लीप से रंगोली बनाकर माँ लक्ष्मी के आगमन का इंतजार करती हैं। श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा सुनती हैं। इसे श्रवण और पठन करने से दुख दारिद्र दूर हो जाता है। महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होता है। मन की सभी इच्छा पूरी होती है। आइए सुनते हैं महालक्ष्मी व्रत का नियम। यह पूजा गुरुवार के दिन करनी होती है। यह व्रत पूजा करने से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तथा सुख शांति एवं धन संपत्ति प्राप्त होती है। यह व्रत करने वाले स्त्री तथा पुरुष दोनों मन से स्वस्थ एवं आनंदमय होने चाहिए। इस व्रत को किसी भी महीने के प्रथम गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। विधि नियम अनुसार हर गुरुवार को महालक्ष्मी व्रत करें। श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा को सुने। लगातार 8 गुरुवार को व्रत पालन करने पर अंतिम गुरुवार को समापन करें। वैसे यह व्रत पूजा पूरे वर्ष भर भी कर सकते हैं। पूरे वर्ष भर हर गुरुवार के देवी की प्रतिमा या फोटो के सामने बैठकर व्रत कथा को पढ़ें या सुनें। शेष गुरुवार के दिन 8 सुहागिनों या कुआरी कन्याओं को आमंत्रित कर उन्हें पीढ़ा या आसन पर बिठाकर श्री महालक्ष्मी का रूप समझकर हल्दी कुमकुम लगाएं। पूजा की समाप्ति पर फल प्रसाद वितरण करें तथा इस कथा की एक प्रति उन्हें देकर नमस्कार करें। केवल नारी ही नहीं अपितु पुरुष भी यह पूजा कर सकते हैं। वे सुहागन या कुमारिका को आमंत्रित कर उन्हें हाथ में हल्दी कुक्कू प्रदान करें तथा व्रत कथा की एक प्रति देकर उन्हें प्रणाम करें। पुरुषों को भी इस व्रत कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। जिस दिन व्रत हो उपवास करें, दूध फलाहार करें, खाली पेट न रहें। रात को भोजन से पहले देवी को भोग लगाएं एवं परिवार के साथ भोजन करें। पद्म पुराण में यह व्रत गृहस्थ जनों के लिए बताया गया है। इस पूजा को पति पत्नी मिलकर कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश पूजा में बाधा आए तो औरों से पूजा करवा लेनी चाहिए, पर खुद उपवास अवश्य करें। उस गुरुवार को गिनती में ना लें। अगर किसी दूसरी पूजा का उपवास गुरुवार को आए तो भी
यह पूजा की जा सकती है। दिन या रात में भी पूजा की जा सकती है। दिन को उपवास करें तथा रात में पूजन के बाद भोजन कर लें। इस व्रत कथा को सुनने के लिए अपने आस पड़ोस के लोग को, रिश्तेदारों को तथा घर के लोगों को बुलाएं। व्रत कथा को सुनते समय शांति तथा एकाग्रता बरतें। अगहन मास के पहले गुरुवार को व्रत शुरू करें तथा अंतिम गुरुवार को उसका समापन करें। अगर माह में 5 गुरुवार आए तो 5ों गुरुवार को उस दिन अमावस्या या पूर्णिमा है तो भी पूजा करें। आइए सुनते हैं महालक्ष्मी देवी की स्थापना। इस पूजा को करने के लिए किसी ब्राह्मण पुरोहित की आवश्यकता नहीं है। हर कोई अपनी भक्ति से पूजा कर सकते हैं। एक दिन पूर्व ही घर को गोबर से लीप लें या फिर गीले कपड़े से पोंछ लें। इसके बाद एक ऊंचे पीढ़े या चौकी पर या छोटे मेज पर बीच में थोड़े गेहूं या चावल रखकर एक साफ सुथरे तांबे या पीतल के लोटे को पानी से भरकर चावल या गेहूं पर रखें। पानी में सुपारी, कुछ पैसे और दुर्वा डालें। ऊपर से लोटे में चारों तरफ 5 तरह के पेड़ के 5 या 7 पत्ते डालकर बीचों बीच एक नारियल रखें। उस नारियल पर बाजार में उपलब्ध देवी के मुखौटे या चेहरे को बांध या चिपका दें और लोटे पर हल्दी कुमकुम लगाएं और साथ ही उस लोटे के गले में लोटे के हिसाब से लहंगा बांध दें और नारियल के ऊपर एक छोटी चुनरी भी चढ़ा दें। साथ ही देवी की प्रतिमा या फोटो को पूर्व दिशा में मुंह करके या उत्तर दिशा में मुंह करके स्थापना करनी चाहिए। इस व्रत कथा की पुस्तक में जो फोटो है उसे भी सामने रखें तथा पूजा प्रारंभ करें। इसके बाद आचमन। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इन तीनों मंत्रों को पढ़कर प्रत्येक मंत्र से एक एक आचमन करें। फिर ओम गोविंदाय नमः बोलते हुए हाथ धो लें। फिर देवी को फूलों से जल का छींटा देते हुए स्नान कराएं और हल्दी कुमकुम लगाएं, पुष्पहार अर्पित करें, धूप दीप जलाएं। फिर इसके बाद भोग लगाकर महालक्ष्मी व्रत के महात्म्य का पाठ करें। शुरू में महालक्ष्मी नमन अष्टक का पाठ करें। फिर देवी को प्रणाम कर कथा का पाठ शुरू करें। कथा की समाप्ति पर देवी की आरती उतारें तथा फिर से प्रणाम करें। रात को फिर देवी की पूजा करें, मिष्ठान का भोग लगाएं तथा गौ माता के लिए भी अन्न रखें और दूसरे दिन सुबह गौ माता को उनका हिस्सा अर्पित करें। इसके बाद परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भोजन करें। दूसरे दिन सुबह स्नान करके पेड़ के पत्तों को निकालें और घर में अलग अलग जगह रखें। पानी को समुद्र, नदी, तालाब, कुएं या तुलसी की क्यारी में डाल दें। जिस जगह पूजा की हो वहां हल्दी कुमकुम छिड़क कर 3 बार प्रणाम करें। इसी प्रकार महीने के हर गुरुवार को करें। अगहन मास के 4 गुरुवार हो तो 4ों और 5 हो तो 5ों को इसी प्रकार पूजन करें। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो कोई भक्त हर वर्ष श्री महालक्ष्मी जी का यह व्रत करेगा उसे सुख संपदा और धन का लाभ होगा। कुछ लोग इसे केसरी व्रत भी कहते हैं, परंतु इस व्रत में
किसी खास रंग के परिधान की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा महालक्ष्मी मंत्र, चालीसा, आरती इत्यादि का पाठ करना चाहिए। आइए सुनते हैं महालक्ष्मी व्रत कथा। महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होता है, मन की इच्छा पूरी होती है। श्री महालक्ष्मी माता की अनेक रूप तथा नाम है। भूतल में भी छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता अधिष्ठात्री एवं लक्ष्मी के रूप में स्थित हैं। उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में राशेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरजा, पद्म वन में पद्मा, मल्टी में मालती, कुंदन वन में कुदंती, केतकी वन में सुशीला, कदम वन में कदम माला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृहलक्ष्मी, इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती हैं। इस तरह सर्वथा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी की यह कथा है। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। चार वेद, छह शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम सांबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहें, इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर आकर रहें और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण किया, हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने उनका नाम, धाम, काम, धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारता माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दारिद्र के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसकी पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई, उसकी गरीबी दूर हुई, उसका घर संसार, दौलत, संतति, संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई। उसे यह याद दिलाने में यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में कुछ बुढ़िया रूप
हुई लक्ष्मी जी ने पूजा विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई हैं। परंतु रानी का इस कदर रुख बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक न समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी सांबाला मिली। उन्होंने सांबाला को सारी बात बताई। सांबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने सांबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन माह का पहला गुरुवार था। सांबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गए। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने लगे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी सांबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने के मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोलकर, हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले, यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिनों बीत जाने पर रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गए। वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। सांबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या सांबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। यही कि सांबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण सांबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? वहां का सार लाई हूँ,
पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? सांबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन सांबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना नमक के बिना था, इसलिए स्वाद न आया। फिर सांबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब सांबाला ने पति से, केवल यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी, फिर भी दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह से जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी का पूजन करें, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है।